डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, बताओ। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लिमिट मान लो अगर मैं किसी पॉइंट पे चेक करता था x टेंड्स टू मान लो a, तो f ऑफ x इक्वल टू किसके आना चाहिए था, किसी f ऑफ a के आता था, या जिसको तुम l बोल देते थे। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते थे, एप्सिलॉन डेल्टा वाला, कि f ऑफ x माइनस l का मोड किससे लेस आना चाहिए, किसी एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, या यहाँ पे लिख देते थे z जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, कि x माइनस मान लो अगर a पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करवा रहे हो तो x माइनस a लेस देन होना चाहिए किससे, डेल्टा से। लिमिट एग्जिस्ट कर अगर l ऐसा यूनिक मिल रहा है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है। क्लियर, तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो जहाँ पे तुम एक्स वर्ड यूज कर रहे हो वहाँ पे बस चेंज क्या है, एक्स की जगह पे वर्ड यूज करोगे एज ए जेड, तो मतलब लिमिट्स के अंदर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिमिट जेड टेंड्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बोल सकता हूँ, या जेड टेंड्स टू ए की जगह पे यूज कर रहा है वो कितना जेड नोट, कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आना चाहिए अपने पास, किसी एफ ऑफ जेड नोट के, या बोल सकते हो एज ए किसी एल के इक्वल। क्लियर, और दूसरी सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कि एफ ऑफ जेड माइनस जो लिमिट है उसका वैल्यू किसी एप्सिलॉन से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, व्हेनेवर जेड माइनस ए का काम कौन कर रहे, जेड नोट वो किससे लेस होगा, किसी डेल्टा से लेस होगा। क्लियर, इतना सा काम, दोनों डेफिनेशन में से कोई मर्जी लिख दो। और अच्छी बात क्या है, जो डेफिनेशन तुमने लिमिट्स के लिए यूज करनी है वही डेफिनेशन किसके लिए यूज करोगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए भी यूज करोगे। क्लियर, यूनिफॉर्म क्वान्टिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जो वहाँ पे यहाँ पे एल वर्ड लिखते हो वहाँ पे चेंजेस आने हैं अपने पास, कि दोनों के दोनों पॉइंट्स लेके चले जाते हैं यूनिफॉर्म क्वान्टिटी के अंदर, कि दो पॉइंट्स जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट या क्वान्टिटी चेक की जाती है, जब यूनिफॉर्म क्वान्टिटी बोलते हो तो वहाँ पे पूरे इंटरवल के ऊपर काम होगा, तो उस इंटरवल में से कोई भी दो पॉइंट ले जाएंगे, जैसे ऐसे जेड वन उठा लूँ और चाहे मैं जेड को उठा लूँ, यूनिफॉर्म क्वान्टिटी में क्या रहेगा, कि फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ जेड वन माइनस कितना हो जाएगा एफ ऑफ जेड टू, दोनों का मोड किससे लेस आना चाहिए, किसी एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए, व्हेन एवर उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस मतलब जेड वन माइनस जेड टू वो किससे लेस होगा, किसी डेल्टा से लेस होगा। अगर किसी एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा मिल गया तो उस फंक्शन को कैसा बोल दोगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। क्लियर, ये तो डेफिनेशंस हो गए, क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर दे रखा है 5, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिमिट वेरीफाई करो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन क्या दे रखा है अपने पास, लिमिट दे रखी है z टेंड्स टू कितना 2 प्लस 3 आएगा। देखो z किसको टेंड कर रहा है वो तुम्हारा कुछ और नहीं है, वो तुम्हारा ऐसे कौन सा पॉइंट है, z नोट है। क्लियर, बस ये चीज मेनली ध्यान रखनी है, z टेंड्स टू अपन क्या बोला था, z नोट, यहां पे z नोट का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस 3 आएगा, और इसका फंक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, fx का काम कौन कर रहा है, x प्लस आइटा x प्लस y स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कुछ और नहीं है, तुम्हारा किसका काम कर रहा है, एज ए एफ ओ जेड का काम कर रहा है, और इक्वल टू जो भी होता है वो क्या होता है, एज ए एल होता है, लिमिट एग्जिस्ट करवा रहे हो तो एल का काम कौन कर रहा है अपने पास, 2 प्लस 11 आइटा, ये तुम्हारा क्या है एल। तो डेफिनेशन क्या बोलती थी, कि एफ ओ जेड माइनस कितना होना चाहिए, एल का मोड किससे लेस आना चाहिए, किसी एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए, और जेड की जगह पे क्या करोगे, जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है, जेड नोट हो जाएगा। क्लियर, और सारे वैल्यूज अपने पास सामने है, अगर ये इससे लेस है तो मतलब वो जेड नोट माइनस, जेड माइनस कितना लेके चलते हो, जेड नोट वो किससे लेस होना चाहिए, किसी डेल्टा से लेस दिखाना पड़ेगा। ये तो डेफिनेशन थी कौन लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले के मान लेके एप्सिलॉन भी कैसा नंबर होता है, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी कैसा नंबर होता है, ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हो, कि हर एप्सिलॉन के लिए अगर डेल्टा मिल गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, उसकी लिमिट भी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, तो क्या होती है अपने पास, एफ ऑफ जेड माइनस कितना लिखना है, एल, तो फंक्शन का वैल्यू पता है ना अपने को कितना है, सामने पड़ा है कितना, एक्स प्लस आइटा ऑफ कितना अपने पास, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस कितना होता है एल, एल का काम कौन कर रहा है अपने पास, 2 प्लस 11 आइटा। इसका मॉडल्स मेरे को किससे लेस दिखाना है, इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि इसको किससे लेस दिखाना है, कि ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए, प्रूव करना, ध्यान रखना, व्हेनेवर क्या होता है, जेड माइनस जेड नोट, जेड नोट पे वैल्यू ये बोल सकते हो कि जेड नोट जो जेड नोट का काम कौन कर रहा है, लिमिट,
तो वो कितना अपने पास 2+3 आएगा, ये किससे लेस हो जाए, डेल्टा से। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन ढूंढ पाया तो मैं बोल दूंगा लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसको किसी तरह से एप्सिलॉन से लेस दिखाना है और उस एप्सिलॉन का किसी न किसी डेल्टा से क्या दिखाना है, रिलेशन देना है। तो सबसे पहले इस पार्ट को उठाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एप्सिलॉन से लेस दिखा देंगे। तो कितना बनेगा ये एक्स प्लस, अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो गाइस भी, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास आइटा एक्स प्लस आइटा ऑफ वाई स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 2, माइनस का क्या हो जाएगा 11 आइटा, ये बनेगा क्लियर। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या दिख रहे हैं, एक्स माइनस 2, बाकी तो सारे टर्म्स किसकी है, इमेजिनरी। तो इनमें क्या बन जाएगा अपने पास, और इस 11 आइटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस का 9 आइटा माइनस का 2 आइटा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x माइनस 2 एक तो बन गया रियल वालों का स्क्वायर, और एक x फिर भी बच रहा है, तो मैं x वाले टर्म्स को कंबाइन करता हूँ और इधर वाले से क्या निकाल लेता हूँ, क्योंकि x माइनस 2 का पेयर दिख रहा है तो एक x माइनस 2 का पेयर और बना देते हैं। तो फायदा क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों में से अगर आइटा को मैं निकाल लूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा x माइनस 2, बाकी क्या बच गया y वाला और एक 9 वाला पेयर, उन दोनों में से भी अगर आइटा कॉमन निकालो तो वो कितना बन जाएगा अपने पास y स्क्वायर माइनस 9 बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, तो मैंने कुछ नहीं किया, 11 आइटा को क्या लिख दिया मैंने, 9 आइटा प्लस का 2 आइटा लिख दिया, माइनस 11 था तो माइनस 9 आइटा माइनस का 2 आइटा कर दिया। रियल का एक पेयर बना था x माइनस 2 सीधा दिख रहा था, तो मेरे पास अभी भी एक x और बच रहा था ना, तो मैंने क्या किया उस 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया, किसके साथ, उसी 2 के साथ, माइनस 2 आइटा, वो भी तो दिख रहा है। तो फायदा क्या होगा, वो भी x माइनस 2 ही बन जाएगा, क्योंकि x के पेयर सारे किस टाइप के हो जाएंगे, x माइनस 2 टाइप के हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी क्या बच गया, आइटा वाई स्क्वायर और माइनस का 9 आइटा, उन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, कोई डाउट। चलो ब्रेक किया और कुछ भी नहीं किया, 11 आइटा को अलग अलग पेयर में लिख दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस आइटा भी अगर पड़ा है, या सिंपल बोल सकते हो कि a प्लस बी का मॉडुलस अगर उसको अलग अलग करता हूँ तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, और आइटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि आइटा को तुम क्या लिख सकते हो, 0+1 आइटा लिख सकते हो, और किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब कहीं पर भी आइटा का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमेशा कितना आएगा अपने पास, सेम। और अगर मल्टीप्लाई में नंबर पड़े हैं उनका मैग्नीट्यूड तो मैं अलग अलग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसी के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का आइटा अलग कर देता हूँ प्लस इसमें क्या बन जाएगा आइटा का मैग्नीट्यूड। लेकिन फायदा क्या होगा, अगर मैंने अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि अगर मॉडुलस को अलग अलग ब्रेक करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आइटा का मैग्नीट्यूड, फिर से क्या बन जाएगा x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड प्लस अगले में भी क्या बनेगा आइटा का मैग्नीट्यूड, और y माइनस 9 दिख रहा है उसको तो मेरे पास y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और वो कितना बन जाएगा अपने पास y माइनस 3 y प्लस 3, सीधी सी बात ये। अब यहाँ पे आइटा का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, और ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 बन गया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ कितना y माइनस 3 y प्लस 3 हो गया। तुम्हें पता है कि अगर किसी वैल्यू पर लेस देन, ये किसी एप्सिलॉन से लेस कब हो सकता है, जब दो पेयर्स में ब्रेक हो, तो इतना तो अपन रियल पीछे पड़ गए हैं, अगर दो पार्ट्स में ब्रेक करना हो तो क्या करते थे, ये वैल्यू भी किससे लेस होनी चाहिए एप्सिलॉन बाय 2 से, ये भी किससे लेस होनी चाहिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होनी चाहिए, तभी इन दोनों का सम क्या आएगा एप्सिलॉन से लेस होगा। तीन पार्ट्स में ब्रेक होता तो क्या करते थे एप्सिलॉन बाय 3 करते थे, तो वही चीज वहां पे यहां पे भी काम आएगी रियल की। देखो कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever, कब लेस देन हो सकता है अपने पास, कि whenever क्या होगा, जब 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ये भी किससे लेस होगा एप्सिलॉन बाय 2 से, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ y माइनस 3 इनटू में y प्लस 3, ये भी किससे लेस होगा अपने पास एप्सिलॉन बाय 2 से, ये 2 तो तरह के डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब ये किससे लेस होना चाहिए एप्सिलॉन बाय 4 से, और इसका वैल्यू किससे लेस होना चाहिए एप्सिलॉन बाय 2। अगर ये स्मार्ट वर्क करके डायरेक्टली ये भी लिखा तो नंबर तब भी पूरे मिलेंगे, लेकिन आगे भी अगर एब्सोल्यूट डेल्टा का अगर इनका अलग से मैग्नीट्यूड निकाल के आगे रिलेशन निकालते हो डेल्टा के साथ तो और बढ़िया हो जाएगा, वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो हो गया जितना भी करना था, ये दो पेयर दिख रहे हैं कि इनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जेड नोड जो था अपने पास है, तो अपने पास एक्स प्लस आइटा वाई टाइप का है ना, तो ये टेंड किसको कर रहा है, x रियल पार्ट रियल को टेंड करेगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी को, तो
x की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसके आसपास रहेगी, 2 के आसपास, और y का वैल्यू 3 प्लस h या 3 माइनस h, मतलब 3 के आसपास, 3 पॉइंट कुछ हो सकता है या 3 में से कुछ माइनस 2.9 समथिंग हो सकता है, ये डेल्टा ही माइनस करते हैं, h तो वैसे भी 0 को टेंड करता होता है लिमिट्स निकालते हैं तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि y माइनस जो 3 का वैल्यू है, क्योंकि y किसको टेंड कर रहा है अपने को पता है 3 को टेंड कर रहा है, तो मतलब ये वैल्यू अपने पास अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, 0 के करीब रहेगी, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, 3 से अगर बड़ा भी हो तो थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा, छोटा भी हो तो भी अपने पास 1, अपने पास ज्यादा से ज्यादा 2 तक पहुंच जाएगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि अपने पास जब y माइनस h लिखते हो या y करेगा किसको टेंड कर रहा है 3 को, इसका मतलब क्या है, या तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो 3 प्लस h को करेगा, लेफ्ट हैंड करेंगे 3 माइनस h, लेकिन ये h खुद किसको टेंड करते होते हैं, 0 को टेंड करते हैं, तो मतलब अगर 3 से बड़ा भी हो तो बहुत स्मॉलर चेंज भी होगा, कभी भी 1 से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा चेंज ही तो होता है या एप्सिलॉन चेंज ही तो बोलते हो, और एप्सिलॉन का वैल्यू या h का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस चाकर के भी मेरे पास किससे बड़ा नहीं आ सकता, 1 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि y खुद किसके करीब है, 3 के करीब ही है, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंटों में वैल्यू आएगी अगर आएगी तो, ठीक है, तो मतलब सीधा बोल सकता हूं कि इस पार्ट का वैल्यू तो कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर y माइनस 3 का तो रिलेशन मिल गया, अब मेन प्रॉब्लम और किसकी रहेगी, y प्लस 3 के लिए तो कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तो y प्लस 3 को, अब y प्लस 3 का तो डायरेक्टली कोई एडिशन वाले का तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि एडिशन में तो अगर ये 3 को टेंड किया तो अगर ये 3 भी हो गया तब भी मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 6 बनेगी, ओवरऑल ये तो बोल सकता हूँ ना कि इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 7 से बड़ा तो गारंटीड है कभी भी नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू चाह करके भी मैं 4 नहीं बना सकता, 4 सकता, क्योंकि 3 को टेंड कर रहा है तो सिंपल सिंपल 4 तो होगा नहीं, अगर 4 भी हो गया तब भी इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 7 बनेगा, लेकिन 7 से बड़ा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दो तो भी ठीक है, अगर अलग अलग दे करना चाहो तो भी लिख सकते हो, कैसे इसको लिख सकता हूँ, y माइनस 3 प्लस का कितना लिख दो, 6 जो बुक वाले तरीके से, तो डायरेक्टली भी पता चल रहा था, अब इसको अलग अलग करोगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ y माइनस 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 का मोड तो 6 ही आएगा, अब इसका वैल्यू तुम्हें पता ज्यादा से ज्यादा चाह करके भी कितना हो सकता है, 1, तो 1 भी हुआ तब भी इसका वैल्यू मेरे पास क्योंकि पॉसिबल नहीं है उससे छोटा ही रहेगा, तो अगर मैं 1 भी रख दूं तो 1 प्लस 6 मतलब इसका वैल्यू ओवरऑल बोल सकते हैं किससे लेस रहेगा, 7 से लेस रहेगा, क्लियर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को ओवरऑल कि y माइनस 3 इंटू में कितना था, y प्लस 3 था, इसका वैल्यू ओवरऑल किससे लेस चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस चाहिए, इसका रिलेशन अभी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कब बनेगा, किस तरह से बन सकता है ये अपने को चाहिए, तो मेरे को पता है इस पार्ट का वैल्यू तो किससे लेस रहेगा, 7 से, इसका वैल्यू तो किससे लेस रहने वाला है, 7 से, तो इंटू में यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा फिर, इस पार्ट के लिए जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 1 से लेस लेनी है, तो 1 से लेस कितना मान लोगे, जो ये वैल्यू था इसको ट्रीट कर लोगे एज ए कितना, एप्सिलॉन बाय 14 लेस सेलेक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे कितना बनाना है, 2 बनाना है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 14 लोगे तब भी ये वैल्यू कैंसिल होकर कितना बन सकती है, 2 बन सकती है, क्लियर, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसका भी कंडीशन डेल्टा ढूंढ चुके हो, और वो वाला तो डायरेक्टली मिल गया था किससे लेस होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 4 से लेस होना चाहिए, तो डेल्टा जो आएगा अपने पास, क्योंकि ये तो हो रहा है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, व्हेनेवर क्या था x माइनस 2 किससे लेस होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 4, और दूसरे वाले के लिए क्या मिला अपने पास, इनका जो रिलेशन था y माइनस 3 जो होगा वो किससे लेस होना चाहिए, एप्सिलॉन बाय 14 से, क्योंकि y माइनस 3 का कंडीशन मिला ना अपने पास, तो डेल्टा अगर मेंशन करना तो डेल्टा कितना मेंशन कर दोगे अपने पास, कि वो मिनिमम लेके चल रहे हैं जो अपने पास, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या अपने पास 1 ही तो है, लेकिन उस 1 के लिए जगह पे भी आपने रिप्लेस किया उसको किससे, एप्सिलॉन बाय 14 में, जो इनमें से मिनिमम होगा कि डेल्टा या एब्सिलॉन जितना छोटा ले सको उतना ले के चलते हैं, वो 0 को टेंड कर रहा है, तो डेल्टा होगा जो क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगी किसमें से, या तो 1 या एप्सिलॉन बाय 14 में, बस इतना ही।